नमस्कार दोस्तों, आशा वेल्थ के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे एक एसएमई आईपीओ कंपनी AKM लेस एंड एम्ब्रोटेक्स लिमिटेड के बारे में। इस कंपनी का रजिस्टर्ड और कॉरपोरेट ऑफिस दोनों दिल्ली में है और इसके आईपीओ रजिस्ट्रार्स हैं स्काई राइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, वो भी दिल्ली में है। आईपीओ जो है वो 20 सितंबर 2017 को खुलेगा और 22 सितंबर 2017 को क्लोज होगा। ये एक फिक्स्ड प्राइस एसएमई आईपीओ है। 10 रुपये प्रति शेयर इसकी फेस वैल्यू है और 25 रुपये प्रति शेयर इसकी फिक्स्ड प्राइस कंपनी ने रखा हुआ है। मिनिमम क्वांटिटी 6000 शेयर की होगी और मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट 1.5 लाख रुपए की होगी, 1,50,000, और इसकी लिस्टिंग बीएससी के एसएमई प्लेटफॉर्म पर होगी। कंपनी एक फ्रेश इशू ला रही है 19.02 लाख का, जिसमें कंपनी जुटाएगी 4,76,00,000 रुपए। इसमें मार्केट मेकर पोर्शन होगा 1,02,000 रुपए का, 1,02,000 शेयर का। रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर को 9,00,000 शेयर रिजर्वेशन में होंगे और अदर इन्वेस्टर्स के लिए 9,00,000 शेयर रिजर्व्ड है। कंपनी की स्थापना 26 नवंबर 2009 को हुई थी। उस समय इसका नाम AK लेस एंड एम्ब्रोटेक्स प्राइवेट लिमिटेड था। 4 मई 2017 को कंपनी ने अपना नाम बदलकर AKM लेस एंड एम्ब्रोटेक्स लिमिटेड कर लिया, क्योंकि यह कंपनी प्राइवेट लिमिटेड से लिमिटेड कंपनी में परिवर्तित हो गई थी। अब कंपनी के बारे में हम बताते हैं। कंपनी जो है वो बिजनेस और मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग करती है एम्ब्रोटेक्स गुड्स, यानी कि लेसिस, फैब्रिक्स, क्लोथिंग, वियरिंग, अपैरल, पर्सनल, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल यूज के लिए। कंपनी जो है उसका जो सेल मॉडल है वो दो बातें हैं, उसमें दो पार्ट हैं उसके। पहला तो है कि ये जो ट्रेडेड गुड्स होता है, जिसमें कि कॉटन फैब्रिक्स है, ग्रे क्लोथ है, और दूसरा जो है वो है जो मैन्युफैक्चर करती है, ये प्रोसेस करती है गुड्स को, वो निटेड फैब्रिक्स होता है उनका, और प्राइमरली वो लेस बेस्ड होता है सारा, क्योंकि इनके नाम से भी आप देख सकते हैं एम्ब्रोटेक्स नाम है। एम्ब्रो मतलब एम्ब्रॉयडरी टेक्सटाइल्स। 31 मार्च 2017 को खत्म हुए वित्तीय वर्ष में कंपनी ने मैन्युफैक्चरिंग गुड्स और ट्रेडिड से ट्रेड करके इन्होंने 73% का रेवेन्यू आया है और मैन्युफैक्चरिंग से 27% का है, कि यानी कि मेनली जो ये कंपनी है वो सिर्फ ट्रेडिंग करती है और इसके जो मैन्युफैक्चरिंग करती है वो अपैरल्स हैं, जैसे साड़ियां, शर्टिंग, सूटिंग, अपहोलेस्ट्री सच एज कर्टन वगैरह, सोफे के कपड़े होते हैं, काफी कुछ इनका सामान ये बनाते हैं। कंपनी जो है वो परचेज करती है ट्रेडेड गुड्स को लोकल सप्लायर से और उनको सेल कर देती है मैन्युफैक्चरर्स और स्मॉल स्केल ट्रेडर्स को। कंपनी के प्रमोटर्स हैं मिस्टर अनूप कुमार मंगल, जिनके पास कंपनी के 2,89,575 शेयर हैं और उनकी एवरेज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 21.88 रुपए है। इन्हीं की एक कंपनी है, एचयूएफ फर्म है, जिसका नाम है अनूप कुमार मंगल एंड सन्स। उसमें इनके पास 1,79,300 शेयर्स हैं और उनकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इश्यू प्राइस से ज्यादा है, यानी कि 26.18 रुपए। तीसरे प्रमोटर है मिस्टर शंभू दयाल मंगल, जिनके पास कंपनी के 1,48,500 शेयर हैं और इनकी एवरेज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 13.80 रुपए की है। कंपनी की इक्विटी कैपिटल हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। कंपनी ने इनकॉर्पोरेशन के समय 10,000 शेयर इशू करे थे 10 रुपए वाला एट पार पर, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को सब्सक्राइब करने के लिए, और 31 मार्च 2010 को कंपनी ने 16,100 शेयर इशू करे 500 रुपए की प्राइस पर। उसके बाद फिर अगले साल 2011 में भी 31 मार्च को 500 रुपए की प्राइस पर शेयर इशू करे 18,400 शेयर। फिर उसके बाद में कंपनी ने 48,425 शेयर इशू करे 200 रुपए के प्राइस पर, और फिर कंपनी अपना, जैसा कि हर कंपनी करती है, जो इन्होंने प्राइस ज्यादा दी थी अपना बोनस लेना वो नहीं भूले। एक शेयर के बदले 10 शेयर उन्होंने अपने आप को बोनस दे दिया और जितना भी जो फ्री रिजर्व था और सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट था उसको इन्होंने बोनस के शेयर में परिवर्तित कर लिया। उसके बाद में
88,000 शेयर और इश्यू करे गए राइट्स बेसिस के ऊपर ₹25 प्रति शेयर 10 फरवरी 2017 को, क्योंकि इनको मालूम है कि ₹25 पे शेयर ला रहे हैं, तो ₹25 में इन्होंने राइट इश्यू कर दिया। इस कंपनी के तीन ऑब्जेक्ट्स हैं, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, जनरल कॉरपोरेट पर्पज और इशू रिलेटेड एक्सपेंसेस इस इशू को लाने के लिए। कंपनी के फाइनेंशियल्स पे नजर डालते हैं। देखिए, टोटल रेवेन्यू केवल 5 लाख था इनका 31 मार्च 2013 को, उससे अगले साल 12 गुना बढ़कर 61 लाख रुपए हो गया, उससे अगले साल फिर लगभग 1.5 गुना बढ़कर 86 लाख हो गया, और उसके बाद में फिर 20% की इजाफा होकर 1.2 करोड़ रुपए हो गया, और इस साल तो इन्होंने कमाल ही कर दिया, क्योंकि पब्लिक इशू लाना था 31 मार्च 2017 को, जो टोटल रेवेन्यू है वो 11 गुना बढ़ाकर इन्होंने 11 करोड़ 31 लाख रुपए दिखाया है। प्रॉफिट जो हर साल साल दर साल है वो आप देखें, 2013 में 3000 का इनको हानि हुई थी, फिर 13000 का लाभ हुआ अगले साल, फिर 25 लाख का लाभ हुआ, उसके बाद में 62 लाख का लाभ हुआ, और इस साल इन्होंने कमाली कर दिया, 13,91,000 रुपए का इनको लाभ हुआ है, क्योंकि पब्लिक इशू आना है तो लाभ तो दिखाना ही होगा। बेसिक अर्निंग पर शेयर अगर आप देखें, 31 मार्च 2015 को केवल 2 पैसे थी, उसके बाद में 6 पैसे, और इस साल 1.35 रुपए। आप समझ सकते हैं कि सब कुछ मैनिपुलेटेड लगता है। कंपनी ने अपने कंपैरिजन करने के लिए पीयर ग्रुप में 2 नाम दिए हैं केवल, एक है टिटेनियम टेन एंटरप्राइज, दूसरा है एमसन अपैरल्स लिमिटेड। इन दोनों ही कोई फायदा नहीं है इनको करने का, क्योंकि ये इससे छोटी कंपनियां हैं जो ये दिखा रही है कंपनी। एक की अर्निंग पर शेयर 1 पैसा है और दूसरे की 63 पैसे है, तो कंपैरिजन करने का कोई खास फायदा इनका नहीं है, यानी कि ये सेक्टर बिल्कुल बेकार है, कोई फायदा नहीं है इसमें अप्लाई करने का। हम तो ये कहेंगे इसमें कोई सेकंड थॉट नहीं है, हर तरह से ये इशू किसी भी लायक नहीं है, आपको ये इशू अप्लाई नहीं करना चाहिए, हाई प्राइस इशू है और कंपनी की वर्किंग कोई खास नहीं, एक ट्रेडिंग है असल में। थैंक यू, आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब करा, और चैनल को और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और डिस्क्लेमर पढ़ना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।